शांति। आज की तारीख है 28/10/23 और आज है शरद पूर्णिमा, कई उसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई नवरात्रि के 15 दिन मनाते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा जो होता है वो 16 कला संपूर्ण प्रकाशित होता है और परमपिता परमात्मा शिव बाबा देवी देवताओं की महिमा जो हम बच्चों को बताई है तो उस महिमा में यही कहा गया है सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला तो चंद्रमा की होती है, तो जैसे चंद्रमा 16 कला से यानी हर रीति से प्रकाशित है, परिपूर्ण है, ऐसे देवी देवताएं सर्व दिव्य गुणों से और शक्तियों से सुशोभित और पूज्य होते हैं, इसीलिए ये देवताओं की महिमा में कहा जाता है। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ अपने सेवा केंद्र के प्रति ही चले या अपने जोन के प्रति ही चले या अपने लौकिक परिवार के प्रति ही चले या अपने एक समाज के लिए ही चले, नहीं। बाबा कहते हैं तुम विश्व पिता के बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो बेहद विश्व की सेवा के लिए चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे और सभी को समय दिखाता रहे और सावधान करता रहे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस भी वृद्धि को पाती रहेगी। इससे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्री मत पर अच्छी रीति से चल, श्रेष्ठ बनना है। नंबर 2, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है, असरफियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। वरदान एकमात्र सतगुरु शिव पिता का कि सर्व प्राप्तियों की अनुभूति के द्वारा माया को विदाई दे, वधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं, उनके सामने कभी किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा के द्वारा हर कदम में वधाई वधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को वधाई देते हैं, जो सोचा नहीं वो पा लिया, बाप को पाया तो सब कुछ पाया,
ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।